हमारे पास मेथड या कॉस्टिंग कॉस्ट एस्टिमेशन का, वो हमारे पास है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल में बेसिकली हमने अपनी वो, इसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं, और इससे हम अपने एस्टिमेट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को। अब बेसिकली हमारे पास जो कोकोमो मॉडल होता है, वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह का होता है, बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। अब बेसिक मॉडल में हमारे पास आगे आ जाता है ऑर्गेनिक, एम्बेडेड और सेमी डिटैच्ड। ऑर्गेनिक में आ जाता है जो आपके पास स्मॉल टीम नहीं होती, ठीक है, स्मॉल टीम आपके पास होती है और उसमें आपके पास एक्सपीरियंसड डिवेलपर्स होते हैं, जो कि आपका मतलब फैमिलियर इन्वायरमेंट के लिहाज से ही, मतलब एक छोटा सा आपका प्रोजेक्ट है वो डिवेल्प करते हैं। एम्बेडेड में आपके पास आ जाता है कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, और कोई प्रोसेसेस के रिलेटेड है। और जो सेमी डिटैच आ जाता है, ये आपके होता है, कह लें इंटरमीडिएट मॉड कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक और एम्बेडेड के दरमियान। अब समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि उनको समटाइम्स पता नहीं चलता ऑर्गेनिक कौन सा, सेमी डिटैच कौन सा और एम्बेडेड कौन सा है। तो ये हमारे पास एक टेबल आ जाता है, कह लें कोकोमो मॉड्स का, ठीक है, ये बेसिक लेवल पे। अगर तो आपका प्रोजेक्ट का साइज, बेसिकली जो कोकोमो मॉडल है वो डिपेंड करता है आपके लाइंस ऑफ कोड पे, ठीक है, लाइंस ऑफ कोड जितना भी है। अगर तो 2 से 50 K के दरमियान है लाइंस ऑफ कोड है, वो आपका ऑर्गेनिक पे चला जाएगा। आगे आपने उसकी नेचर देखनी है कि स्मॉल साइज हो, एक्सपीरियंस डिवेल्पर्स हो, इनोवेशन आपकी लिटल है, डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इतना टाइट नहीं, और डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट भी फैमिलियर है। अगर तो 50 से 300 के दरमियान है, फिर आपका सेमी डिटैच चला जाता है। और अगर तो 300 से भी अबव है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोजेक्टर, देन आप एम्बेडेड की तरफ जाते हो, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कोकोमो का फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं ई से एफर्ट होता है, ठीक है, ये एफर्ट का फार्मूला, ये डिप्लॉयमेंट टाइम का है, ये जो भी आपके स्टाफ साइज के, आपके कितने पर्सनस है, और ये प्रोडक्टिविटी का। अब इसमें जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट होते हैं ना, कोएफिशिएंट होते हैं ए, ठीक है, और ए बी, बी बी, इनके बेसिकली प्री डिफाइंड हमारे पास वैल्यूज होती हैं। जिस तरह ऑर्गेनिक मोड में ए बी का हमारे पास 2.4 आ जाएगा, 1.0, ये हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट मॉडल। इंटरमीडिएट मॉडल में हमारे पास आ जाते हैं, इसमें हमारे पास कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि हमें गिवन होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है, आपने देखना है। इसमें आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, डेटाबेस साइज, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स आ जाती है, पर्सनल एट्रीब्यूट आ जाती है, और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। या पर आपके पास कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं जिनको 4 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया होता है। अब जो ये होते हैं ना, इनकी भी आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जिस तरह रिले है जो ऊपर था, इसकी वेरी लो में 0.75 है, लो में 0.88 है, नॉमिनल में 1.0 है, हाई में 1.5 है, ठीक है। इनकी मल्टीपल वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ये हमें कब होता है, इंटरमीडिएट का बेसिकली फार्मूला हमारे पास आ जाता है, एफर्ट इज इक्वल ए आई, जो आपकी किलो लाइंस ऑफ कोड होंगी, ई ए एफ हमारे पास एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं, जो कि आप ये निकालते हैं, ठीक है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है ना, अ न्यू प्रोजेक्ट विद एस्टिमेटेड 400 किलो लाइंस ऑफ बैंडेड सिस्टम, ठीक है, विद वेरी हाई एप्लीकेशन। ये देखें, ये जो हाई एप्लीकेशन है ना, यही आपके पास आपका वो आ जाएगा अफेक्टिव। ये आपने ले लिया, वेरी लिटल एक्सपीरियंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इधर लिटल एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आपकी इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक्सपीरियंस किसमें था, पर्सनल एट्रीब्यूट में, ये आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने लिटल है तो मतलब वेरी लो है, तो 1.4 आप ले लोगे, ठीक है। इस तरह आपने ये वैल्यूज लेकर, ये जो भी आपका अफेक्टिंग उनको प्लस करके जो आपका आएगा, देन वो आपने पुट करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। डिटेल्ड में आपके पास आ जाता है फेस सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लाई और 3 लेवल प्रोडक्ट हाई हायरार्की। इसमें आपके पास आ जाते हैं डिटेल्ड में भी आपके पास डेवलपमेंट फेज में आपके पास प्लान, प्रोडक्ट, प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन, इस तरह आपके पास ये टेबल गिवन होता है। इसमें भी आपके पास क्या होता है, प्लान एंड रिक्वायरमेंट मतलब वैल्यूज गिवन होती हैं कि ऑर्गेनिक स्मॉल है, ऑर्गेनिक मीडियम है, ये आपके लाइंस ऑफ कोड पे ही डिपेंड करता है। तो इसका फार्मूला ये है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से देखना होता है कि आपका इनमें से कौन सा है।
जिस तरह ये मेरा है, अगर हमने लाइंस ऑफ कोड रखी हैं 30K, तो अभी हमने देखा था जीरो से कहाँ तक के वो हमारे पास बेसिक लेवल पे आ जाता है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक मोड है। तो सिंपल मैंने इसको कोस्टिंग सॉरी पहले हम कोकोमो में थे, कोकोमो में आगे अगर हम एग्जाम्पल जो मैंने अपने प्रोजेक्ट की रखी थी वो यही थी 30K, ठीक है। जो हॉस्पिटल हम मैनेजमेंट मैंने एज्यूम कर लिया उसकी 30K लाइन्स ऑफ कीड है कोड है, तो उस लेवल से मैंने बेसिक लेवल चूज़ किया, ठीक है, उसका ऑर्गेनिक मोड और फार्मूला ए के एल ओ सी मतलब ए की जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो पुट किया है, आगे हमने लाइंस ऑफ कोड लिख देनी है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 85.3% पर मंथ, और ये मैंने ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन 13 मंथ ड्यूरेशन आ रही है। अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पे देखें तो वो आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि हमारा तीसरा कॉस्ट एस्टिमेशन का है। अब इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि आपने एक्टिविटीज की कॉस्ट निकालनी होती है। इसमें आप इस तरह का कोई टेबल बना लें, आपकी जो एक्टिविटीज है उनको लिखना है, ठीक है, उनके रिसोर्सेज, देन आपने हर एक्टिविटी की कॉस्ट रेट और उसकी ड्यूरेशन मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह वेबसाइट डिजाइन लेआउट स्ट्रक्चर, ये मेरी एक एक्टिविटीज है, उसके रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं HTML CSS Bootstrap, और उसका कॉस्ट रेट आ रहा है 5K, और उसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स है। इसी तरह फ्रंट एंड है, ठीक है, उसकी मैंने रिसोर्सेज कॉस्ट रेट लिखा है और ड्यूरेशन लिखी है, और ये ड्यूरेशन आपकी वीक्स में है, 2 वीक्स फ्रंट एंड की भी 2 वीक्स। अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट की बात करूँ और मोबाइल एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स की, बस वो 3 वीक्स में हो जाएगी, उसका बैक एंड जो कि 8 वीक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क डिपेंडेंसी टेबल। टास्क डिपेंडेंसी टेबल क्या होता है कि आपका कौन सा टास्क किस पर डिपेंडेंट है, जिसके बगैर वो काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें आपके सबसे पहले आपने लिखने एक्टिविटी के नेम, ठीक है, वो आपका आ गया आइडिया जनरेशन, प्रपोजल, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिस्टम डिजाइन, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। और उसके बाद आपके पास आ गया प्रीडिसेक्सर प्रीडिसेसर्स, ठीक है। अब जिस तरह आइडिया जनरेशन है उस पर कोई डिपेंड नहीं है, और उसकी वीक मैंने रख लिया 2। अब प्रपोजल उस पर डिपेंड है ए, कि आइडिया जनरेट होगा तो देन आपका प्रपोजल बनेगा, ठीक है, और उसकी वीक मैंने रख ली है 2 ही। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, के आप जहाँ से डाटा कलेक्ट आपने करना है, जब आइडिया आप अपना प्रपोजल रेडी करेंगे दोनों पे वो डिपेंड होगा तो देन आप उसकी इन्फॉर्मेशन। सिस्टम डिजाइन आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे डिपेंडेड है, फ्रंट एंड आपका सिस्टम डिजाइन पर, बैक एंड जारी सी बात है सिस्टम का जो डिजाइन हुआ होगा फ्रंट एंड पे, और ये मैंने उनके वीक्स रख ली है। उसके बाद टेस्टिंग एंड वैलिडेशन आ जाता है और डिप्लॉयमेंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए, ठीक है, स्पेशली जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग करनी होती है ना, आप बेसिकली उसका टाइम निकालते हैं कि आपका कितने में वो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है ना वो आपने निकालना है। ये बेसिकली आपकी क्रिटिकल पाथ हेल्प करता है आपके आइडेंटिफाई करने में क्रिटिकल एक्टिविटीज को, ठीक है। और ये और इसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है टास्क डिपेंडेंसी टेबल, जो कि मैंने आपको ये अभी ऊपर बनाया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पाथ के निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये टास्क डिपेंडेंसी टेबल बनाना चाहिए। अगर आपका ये एक्यूरेट होगा ना, देन जो हमारे पास टास्क क्रिटिकल पाथ मेथड निकालने का मेथड है वो इजीली हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ती है, ये हमारे पास आ जाती है नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम में बेसिकली आपने सिंपल एक स्टार्ट और एंड का बनाओ, ठीक है। अब स्टार्ट हमारा ए से हो रहा था, ए के बाद गया वो बी पे, ठीक है, मतलब ए है ना आइडिया जनरेशन, उसके बाद आपका प्रपोजल है बी, और वो किस पे डिपेंड है, ए पे, तो जाहिर सी बात है ए जा रहा है बी पे। उसके बाद थर्ड है सी में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वो अब हमारा डिपेंड है ए और बी पे, तो ए और बी से आपका आ गया ये सी वाला। उसके बाद सिस्टम डिजाइन किस पे डिपेंड है, सी पे, तो देन वो आगे चला गया सी डी पे। इसी तरह फिर नेक्स्ट है ई वाला फ्रंट एंड डेवलपर, वो है डी पे डिपेंड, तो वो आपका डी पे आ गया, और नेक्स्ट ई, ठीक है। अब यहाँ से देखें जो आपका टेस्टिंग और वैलिडेशन है जी वाला, वो डी ई और एफ तीनों पे डिपेंडेंट है। ये जी आ गया जो कि डी ई ये वाली है ई की लाइन ये, और एफ तीनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास डिप्लॉयमेंट, जो कि जी पे डिपेंड है, एच, ठीक है, एंड देन एंड, ये आपकी आ जाती है जिसको हम ए ओ एन भी कहते हैं, ये हमारे पास आती है नेटवर्क डायग्राम, जो कि हमने ये टास्क डिपेंडेंसी टेबल को देखकर बनानी है।
नेक्स्ट, अब आपने जब हमने सी क्रिटिकल पाथ हमने निकालना होता है, हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं दो पाथ, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड पाथ और एक हमारे पास होता है बैकवर्ड पाथ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप